Gaurav Yadav channel, please subscribe. Channel, please subscribe. Gaurav Yadav channel, please subscribe. मेरे हम उम्र दोस्तों, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों एवं भारत की मातृशक्ति, आज राठौर कैसेट के माध्यम से हेवा का विवाह यानी इंदरगढ़ की लड़ाई आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप सुनेंगे कि निर्भय सिंह इंदरगढ़ के राजा की बेटी पहुपति की शादी हेवा के साथ किस तरह हुई और इस विवाह में माहिल की चुगली में फंस करके पृथ्वीराज चौहान आए और वनाफनों से उनका युद्ध किस तरह हुआ, तो दास्तान पेश है। आ जाइए दोस्तों। अरे सुनो, लड़ाई इंदरगढ़ की जहां ढेबा का हुआ विवाह, अरे निर्भय सिंह जहां के राजा राजन राजा रहे कहां, सेवा में सरनाम, महाराज की धर्म पत्नी का नाम है चंद्रमुखी। इनके पांच पुत्र हैं जिनके नाम है जोत सिंह, नरसिंह, फतेह सिंह बलवंत, जंगवीर और रणधी। बेटी है पहुपति, कैसी थी वो गोरी, बेटी है इनकी उपमा लिखत कलम शर्मा, अरे रुन झुन महल में डोले देखत जवान जात लुभियाई, संगत सहेली तानो मारे मोते बोल सहे ना जा।
मैया बोली इतनी बात सुनी बेटी की रानी सोच सोच रह जाए हंस के बोली है बेटी से बिटिया मत मन में घबराए भवन से पहुंची राजसभा में जाए दोस्तों वो बांदी राजा निर्भय सिंह से जाकर बोली क्या निर्भय सिंह सुनते हैं कि बेटी विवाह के योग्य हो गई तो कागज कलम हाथ में लेकर के इंद्रगढ़ के नरेश अपनी बेटी का टीका भेजने के लिए सुंदर सा पत्र लिखते हैं क्या अरे कागज कलम हाथ ले भूपति चिट्ठी लिखन लगे हर साई और सिद्धि श्री सरनामा लिख के सब राजन को राम जुहारी लिख रहे महाराज अरे लली हमारी जग से न्यारी जाको रूप न बरनो जाए और करे सगाई है मन भाई को टीका रह भिजवाई अरे मत होवे जोर लड़ में थी तो तुम टीका लियो चढ़ाई
लाखों की दौलत ले जाओ लेकिन एक प्यार रहे, हर मुल्क में जाना लेकिन महोबे की ओर प्रस्थान मत करना। महा का राजवंश जो है वो ओछे कुल का है। दोस्तों हुआ क्या, जोध सिंह टीका लेकर गए हर राजा के आगे लेकिन हर एक ने इनकार किया। अंत में अरे हर मान के चहुरी से लई कनबज की सीध लगाई और उदल मिल गए हैं रास्ता में डांगन खेलत हते शिकार। निकल चुके थे अपने मित्र लाखन की राजधानी कन्नौज के निकट वो रिगजिर में निवास कर रहे थे। जब उदल से मुलाकात जोध सिंह की हुई, उदल ने सारे हालात जब पूछे, जोध सिंह ने हालात का वर्णन किया और बोले हैं अरे इतनी सुन के जोध सिंह ने हो इंद्रगढ़ से हम आए हैं, जोध सिंह है नाम हमार, पिता हमारे निर्भय सिंह है जिनकी विषम बजे तलवार। चले
समय उदल जोत सिंह को जबरदस्ती रिजगिर की ओर ले गए हैं और जोत सिंह को अपने कक्ष में ठहराकर अपनी माता देव कुमार के पास में उदल पहुंचे हैं। दोस्तों हुआ क्या, अरे जाय की पहुंचे फिर दे बेटे, अरे उनको हलन बरनो जाय बोलिए देवे आबो बेटा और गोदिये में ले के बिठाई, अरे मीठा लेके तो हाथन को
छगन पर मीजा लगित हुई की जो सिंह ने तो ढेबा को पान खबाय ज्योत सिंह को राजी करके हेबा का तिलक ऋजिगर में करवा दिया और उधर ज्योत सिंह ऋजिगर से विदा होकर जिस समय इंदरगढ़ में पहुंचे हैं, अब दोस्तों जरा माहिल की ओर नजर उठाएं, तो शकल झंझट की जड़ था, उसने जब सुना कि हेबा का तिलक इंदरगढ़ से चढ़ गया तो ये तुरंत उरई से प्रस्थान करता है। आ जाइए दोस्तों। अरे जब ये खबर भई माहिल को, अरे टीका रिज गिर लो है छिना सिंह ने सारे वृतांत जब माहिल को सुनाए कि उदल ने जबरदस्ती टीका ज्योत सिंह से छीन कर ढेबा को चढ़वा दिया तो बोले ही माहिल, अरे इतनी सुनी के माहिल बोले, अरे राजा सुन ले कान लगाए जगह जगह में सुन किया
सिंह हमारा जात भाई है तो दोस्तों उसके हृदय में शोले धड़क गए। अरे इतनी बात सुनी तिरधी ने धड़का लबो करे जा जाए। अरे अच्छो नाई करो रे उदल ने जबर न ठीका लो छिनाई। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब।